हर किसी को इंतज़ार था जियो फोन 2 का। जी हाँ, जियो फोन 2 का इंतज़ार हर किसी को था, और 15 अगस्त के बाद इस इंतज़ार भी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। ऐसे में आपको बता दें कि अब जो है जियो फोन यूज़र्स को भी काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि जियो फोन में भी अब व्हाट्सएप चलने वाला है। जी हाँ, इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है, जल्द ही जियो फोन यूज़र्स व्हाट्सएप चला पाएंगे अपने फ़ोन पर। चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जियो फोन में और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जियो फोन यूज़र को व्हाट्सएप मिलने में अभी थोड़ी सी देरी होगी, लेकिन कंपनी के अनुसार जियो फोन में iOS होने के कारण व्हाट्सएप आने में देरी हो रही थी। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी टेस्टिंग जारी थी। सबसे बड़ा सवाल क्या आपको मिल रहा है व्हाट्सएप या फिर मिलेगा व्हाट्सएप? आपको बता दें कि जियो फोन में अब धीरे धीरे व्हाट्सएप की रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है और किया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जियो फोन पर हर व्हाट्सएप की टेस्टिंग की जा चुकी है और सही से काम कर रहा है या नहीं इसकी भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तहकीकात की है। पर फिलहाल कुछ यूज़र्स को जियो फोन पर व्हाट्सएप मिल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 से 4 हफ्तों में सभी यूज़र्स को व्हाट्सएप उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपके जियो फोन में व्हाट्सएप उपलब्ध हो गया है तो चलिए बताते हैं कि कैसे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जियो फोन पर iOS स्टोर ओपन करें और व्हाट्सएप सर्च करें। अगर आपको व्हाट्सएप मिल जाता है तो अपने फ़ोन पर उसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद ओपन करके अपना अकाउंट सेट कर सकते हैं आप। OTP के लिए आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना होगा। एक बार OTP मिल जाने के बाद आप अपना नंबर रजिस्टर करने के लिए उसे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपका सेटअप प्रोसेस पूरा हो जाएगा। गूगल फेसबुक और गूगल मैप्स जियो फोन पर पहले से ही उपलब्ध हैं। जी हाँ, आपको बता दें और आपको याद होगा कि रिलायंस जियो गीगा फाइबर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा लेकर आने वाला है। मुकेश अंबानी को कंपनी ने सेवा के लॉन्च को तो कंफर्म कर ही दिया था। अब तक इसके तहत आने वाले प्लान्स की डिटेल्स की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन गीगा फाइबर की लॉन्चिंग के समय कंपनी ने बताया था कि ये सेवा यूजर्स की रुचि के आधार पर कार्य करेगी। कंपनी ने अगस्त महीने में इस सेवा को लॉन्च किया है और इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि अगस्त में यूजर्स द्वारा कराए जाने वाले रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स के आधार पर कंपनी अगले महीने यानी कि सितंबर में इसके प्लान्स की घोषणा भी कर देगी और ये सेवा किस प्रदेश से शुरू की जाएगी इसकी घोषणा भी कर सकती है। नेक्स्ट 9 टेक से हिमांशी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।